हमें ताना दिया जाता था, ये मजहब के पैरोकार नहीं, हनफी नहीं है। मिनाजुल कुरान से बड़ा हनफी इस रूए जमीन पर कौन होगा, हनफियत का अलमबरदार और मजहब अहले सुन्नत वल जमात का अलमबरदार कौन होगा। सिर्फ बात यह है कि जब दलील की, अकल की, उसूल की, कवायद और जवाबित की बात हो तो आपको चुपती है, क्योंकि आप न किसी कायदे को जानते हैं, न जाबते को जानते हैं, न शरीयत को, ना कितुब फिका को, न कुतुब अकायद को, न तफासीर को, ना कुछ पढ़ा है, ना पढ़ना चाहते हैं, इल्ला माशाअल्लाह चंद उलमा के सिवा जो इस अहल हैं वो दबाव में आ जाते हैं। उनका प्रॉब्लम यह है कि फिर वो फेस नहीं कर सकते सिचुएशन को, कि जब दमादम हो जाता है ना माहौल में, दमादम वो सियासी मसला बन जाता है, पर वो समंदर आ जाता है जब लोगों को आप निकाल के बाहर ले आते हैं, नाराबाजी हो जाती है, तो फेस करने के लिए एक जुरत चाहिए, वो जुरत हर एक में कहां।